नमस्कार जिला खबर को स्वागत करछि मु नम्रता प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस परे सुंदरगढ़ जिला लागी मुख्यमंत्री को बड़ भेटी पानी जल लागी 1611 कोटी क्रीडा रो विकास लागी 120 कोटी रो पैकेज स्वाधीनता संग्रामी बिरसा मुंडा को नारे नामित हॉकी स्टेडियम कोविड गाइडलाइन रे हेबो माघो मेला कोणार्क चंद्रभागारे 144 धारा जारी बुड़ो ओ पहिली सूर्य दर्शन उपरे कटकणा सर्वाधिक 500 व्यक्ति को उपस्थित रे हेबो पूजा अर्चना बहुचर्चित बाबा सारथी को आश्वस्ति प्रवचन देबा को अनुमति देले हाईकोर्ट सर्वाधिक 200 भक्त को नै दे पारिबे प्रवचन कोविड कटकणा को मानि प्रवचन देबा को निर्देश बसंतर आगमन रे महकुचि आंब बौलर बासना कोइलीर कुहुकु स्वर बाटुईर मनकु करे रोमांचित आंब बौलकु नै देखिबा स्वतंत्र रिपोर्ट आजि विद्यादात्री देवी सरस्वती पूजा सबुठि रीतिनीति अनुष्ठित हला मांक पूजा विद्यालय बंद जोगु घरे घरे विद्यार्थी कले मांक वंदना आसीबा संपूर्ण खबर को सुंदरगढ़ जिला को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मेगा पैकेज 4915 कोटी टंकार विभिन्न प्रकल्प को भेटी देइछंती नवीन सारा जिला रे शिक्षा स्वास्थ्य क्रीडा महिला और शिशु विकास आदि विभाग रो विकास लागी उद्दिष्ट हेबो एही पैकेज पानीय जल रो विकास लागी 1611 कोटी टंकार पैकेज घोषणा होइतबा बळे जलसेचन लागी 320 कोटी स्वास्थ्य सेवा लागी 111 कोटी टंकार प्रकल्प घोषणा करा जाइछि सेहिपरि क्रीडा लागी 120 कोटी टंका रास्ता घाट रो विकास लागी 1060 कोटी शिक्षार विकास लागी 366 कोटी परिमळ लागी 250 कोटी जीविका मिशन लागी 216 कोटी स्मार्ट सिटी राउरकेला लागी 471 कोटी टंकार पैकेज घोषणा करथिले मुख्यमंत्री एहासह विद्युत शक्ति जोगाण लागी 38 कोटी भित्तिभूमि उन्नयन लागी 67 कोटी टंका महिला और शिशु विकास लागी 135 कोटी परिवेश सुरक्षा लागी 12 कोटी टंका दक्षता विकास लागी 15 कोटी टंकार प्रकल्प घोषणा करा दैछि गस्त अवसर रे मुख्यमंत्री कहितले सुंदरगढ़ हेउछि हॉकी रो एंतुडीशाळ राउरकेला रे पडिथिला शिल्पर मूलद्वा एही पैकेज घोषणा हेबा द्वारा जिल्लार 17 ब्लॉक रे 17टी आस्ट्रो ट्रफ निर्माण करा जिवो ओडिसा रो प्लान बजट थिला मात्र 2800 कोटी टंका आज ही केवल सुंदरगढ़ बेला जिला पाई 5000 कोटी टंका रो प्रोजेक्ट आरंभ करा गला यहा ही रूपांतर ट्रांसफॉर्मेशन रो नमूना विकास रो नमूना बहु चर्चित बाबा सारथी को आश्वस्ति प्रवचन देवा को अनुमति देइछंती हाईकोर्ट हाईकोर्ट का निर्देश मुताबक सर्वाधिक 200 भक्त को नहीं दे पारे प्रवचन कोविड कटकणा माने प्रवचन देवा को कहिछंती कोर्ट 2015 अगस्त 8 रे ठकेई ओ महिला को जौन शोषण अभियोग रे क्राइम ब्रांच सारथी को गिरफ्त करथिला खाननगर रे बस टर्मिनल को नहीं विरोध करी हाईकोर्ट रे दायर दुई मामला जनस्वार्थ मामला खारज हेबा परे आश्वस्त होईछि जिला प्रशासन एबे खाननगर रे बस टर्मिनल काम आगो को आगे बारे आउ कोनोसी प्रकार रो असुविधा हेबो नहीं एही प्रकल्प जोगो खाननगर रे थिबा मां काली को मंदिर को कोनोसी प्रकार रो क्षति पहुंचबो नहीं सरकार को पक्षरु अदालत रे सत्यपाठ दाखल हेबा परे कोर्ट काली मंदिर को नै दायर रिट पिटीशन रो सुनानी को आसंता 17 तारीख को धार्य करछदी तबे अन्य दुईटी जनस्वार्थ मामला को खारज करी देथिले कोर्ट तेनु हाई कोर्ट रु एही मामला रे आश्वस्ति मिलबा परे खाननगर रे एबे बस टर्मिनल निर्माण पई पथ परिष्कार होईछि एबे बस टर्मिनल पई विभिन्न काम आगो को आगेइबो बोली कहिछन्ती कटक जिलापाल माननीय मुख्यमंत्री कटक नेताजी बस टर्मिनाल रो शिलान्यास करिथिले एवं तापरे सेही जो प्रकल्प संक्रांत रे दुईटी पीआईएल एवं गोटे रिट पेटिशन दायर होइतिला जो प्रकल्पटी हबाकु जाउची सेथिरे मंदिर रो कोनोसी क्षयक्षति हबार संभावना नाही मंदिर संक्रांत रे जो गोटे स्थितावस्था रखिबा पाई 2 तारीख दिन फेब्रुवारी 2 दिन गोटे माननीय हाईकोर्ट गोटे अर्डर होता से अर्डर टिकी संपूर्ण भाव में
प्रत्याहृत करा जायछि। गजपति जिल्लार आर उदयगिरी मर्मन्तुद सड़क दुर्घटन दुई जन मृत्युवरण कर घटन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक शोक प्रकाश कर मृतकों पर लोक गभीर समबेदना जनाइबा सह मुख्यमंत्री निकटतम आत्मीयों पर 2 लाख टंका लेखाए सहायता राशि घोषणा कर आहत मगणारे चिकित्सा जोगाई दीजिए मुख्यमंत्री घोषणा कर आहत आशु आरोग्य कामना कर राज्यर विभिन्न टोल प्लाजा रे फास्टैग व्यवहार को कड़ाकड़ी करा जायतिबा बेले पिपिली टोल प्लाजा रे मध्य एही नियम कड़ाकड़ी करा जायछि। कौनसी जान बाहन रे बिना फास्टैग रे यातायात करथले सेमानक थारु दुईगुणा टोल फीस आदाय करा जायछि। एबे मध्य अधिकांश गाड़ी मालिक टोल रे फास्टैग नियम को कड़ाकड़ी करा जाय नथिबा संपर्क रे अवगत नथिबा कहिछन्ति। सेपटे फास्टैग व्यवहार नाम रे टोल कर्मचारी मनमुखी कार्य करथुबा गाड़ी ड्राइवर माने अभियोग करछन्ति। गाड़ी गोटे साइट काटिबा को कहिले टोल कर्मचारी गाड़ी यातायातर दुई साइट रो टंका काटुने थिबार अभियोग करछन्ति। सेपटे टोल प्लाजा रे फास्टैग नियम कड़ाकड़ी करा जायतिबा बेले जहार फास्टैग नाही ताहा थारु दुईगुणा टोल आदाय करा जाउछि बोली टोल मैनेजर कहिछन्ति। जानुरी कला सरकार कि आम तो सब दिन एटे पूरी जाऊ तो ड्यूटी रोचुना आम जानू कौटी भाई ना ए जस्ट आम बाहर की गाड़ी गाड़ी बाहर नहीं तो गाड़ी बस को थर पटे बाहर तो से प्रोब्लम 130 ने 110 बोलते नौते पचारि आसल कि कौट करदेव जाइए जानू तो जेहतु रूलटा लगू फास्टैग बालान्स सरी कि तीन दिन तब आसती सेपटे लास्ट सैड जाइए मतलब 115 टाँग नहीं थे कि बर्तमान जबरदस्ती 5 टाँग देने से दुई सैड पैसा जबरदस्ती काटते कि मोर ए सैड आसान नहीं कारण मुझे कोणार्क देखी जी मैंने गोटे सैड टिकेट गली मुझे कहूँ 115 टाँग सार पुलिस भाई उठाई जबरदस्ती जुलूम करी कौन तो हम लोकाल पिला टूरिस्ट गाड़ी लोक हरण कर जबरदस्ती 230 टाँग रखुच्छे आपने विचार करूँ अन्या कले लोक उठाई। करोना कटकणारे अनुष्ठित हेबो माघ मेला बुड़कु दृष्टि रखि चंद्रभागा मेला पड़िया रे जारी होइछे 144 धारा। करोना संक्रमण आशंका थिबारु चंद्रभागा मेला पड़िया रे 144 धारा जारी करा जायछि। आसंता 18 तारीख पूर्वान्न 11:00 रु 19 तारीख अपराह्न गोटाए पर्यंत एही धारा बलबत्तर रहिबो। एही समय मध्यरे जनसाधारण चंद्रभागा रे बुड़ पकाइबा एवं पहिले सूर्य दर्शन उपरे कटकणा जारी रहिबो। जिला प्रशासन पक्षरु उपजिलापाल श्री भवतारण साहू 144 धारा जारी करछंती। स्वतंत्र रिलीफ कमिशन पक्षरु गत 30 तारीख रे जारी निर्देशनामा अनुजाई केवल सर्वाधिक 500 व्यक्ति उपस्थित रे ठाकुर यथाविधि पूजार्चना सह चंद्रभागा बुड़ संपूर्ण हेबो। एही कटकणार उल्लंघनकारी विरोध में आईन अनुजाई कार्यानुष्ठान ग्रहण करा। राज्यव्यापी पालित होइछि मां सरस्वती पूजा तेबे करोना कटकणा जोगु पूजा रे देखिबा को मिलिछि चमक। छात्र छात्री माने घरे रही करिछन्ती पूजार्चना। राज्यर विभिन्न स्थानरे बागदेवी पूजार्चना हेले सबु वर्ष परि पूजा रे देखिबा को मिलिनथिला चमक। चलित वर्ष कोविड कटकणा पई स्कूल गुडीकरे पूजा पालन करा जाउनथिबा बेले विभिन्न स्थानरे मध्य पूजा आयोजन हेउनथिबार देखिबा को मिलिछि। बलांगीर संबलपुर समेत राज्यर अनेक स्थानरे लोके निज निज घरे मां सरस्वती मूर्ति स्थापन करि निडारंबर सह करिछन्ती मां सरस्वती पूजार्चना। आगामी वर्ष रे आमे समस्त मिसी स्कूल रे करूथुनु बहुत धूमधाम रे आउ एबे कोरोना लागि त स्कूल रे हेबा नै त आमे घरे मिसी सब भाई भौणी एबे स्कूल करूछु सरस्वती माताक पूजा आउ आउ आ स्कूल रे आमे नुआ कपड़ा नुआ पोशाक पिंधि जाई थौ आउ घरे रे आमे समस्त मिसी करूछु। सरकारी जो कटकणा अछि जहां मार्गदर्शिका अछि से आधार रे आउ छात्र छात्री बर्तमान आसिनाहंती केवल किछि शिक्षकंक गुरुजीगुरुवांकु नेइकिरि तथा परिचालन समिति किछि कार्यकर्ताक उपस्थितिरे मां सरस्वतीकर पूजार्चना करा जाइछि। बालेश्वर विभिन्न स्थान रे पूजा पाइछंती देवी बस्ता जलेश्वर बालियापाल भोगराई ब्लॉक रो विभिन्न स्थान रे निडारंबर भावे होइछि पूजार्चना। पूजा सत्वे छात्र छात्रीक मध्यरे नथिला उत्साह। सरस्वती पूजा हां आमी स्कूल ले पूजा करथिलु बहुत मजा मस्ती लागथिला आ आमी ए कोरोना पई स्कूल ले पूजा हो नै आमी घरे पूजा करछु। विभिन्न निर्वाचन करि परचंती आमे सामूहिक ओटे निर्वाचनी सभा करि परचंती नाची परचंती मस्ती करि परचंती ऑर्केस्ट्रा होची
କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୂଜା ଥିଲା ଆମେ ରବିବାର ଛୁଟି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ସ୍କୁଲ ବି ବନ୍ଦ ରହିବନି ଚାଲିବ କ୍ଲାସ ସବୁଦିନ ପୁରା ମାନେ ସପ୍ତାହକ ସାତ ଦିନ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୂଜାଟେ ସରସ୍ୱତୀ ମା ବିଦ୍ୟାଦାୟୀଙ୍କ ପୂଜା ସମସ୍ତେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ସରକାରୀ ଏସ୍ଓପି ମାନିକି ଆମେ ପୂଜାଟେ କରିଥାନ୍ତେ ସେତିକି ବି ସରକାର କରାଯାଏ ନିଡାରମ୍ବର ସହ ରାଜ୍ୟରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବଳରାମ ମିଶ୍ର ଓ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ ଏମ୍ବିସି ନ୍ୟୁଜ୍ ବସନ୍ତର ଆଗମନରେ ମହକୁଛି ଆମ୍ବ ବଉଳର ବାସ୍ନା ସାଙ୍ଗକୁ କୋଇଲିର କୁହୁକୁ ସ୍ୱର ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ବାଟୋଇ ମଧ୍ୟ ଘଡ଼ିଏ ଅଟକି ଯାଉଛି ବଉଳର ବହଳିଆ ବାସ୍ନା ସହ କବି ଓ ଲେଖକଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବାହାରି ଗଳ୍ପ ଓ କବିତା ମଧ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ମହକାଉଛି ତେବେ ଆମ୍ବ ବଉଳକୁ ନେଇ ଦେଖିବା ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଫଗୁଣରେ ଆମ୍ବର ମହକ ଗଛରେ ଝୁଲୁଛି ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ଆମ୍ବ ବଉଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶକୁ ମହକାଉଛି ବଉଳର ବହଳିଆ ବାସ୍ନା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଯେତିକି ମନୋରମ ସେତିକି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବଉଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଭାବୁକ ମନରେ ଭାବନା ଓ କବି ଲିଖନୀରୁ ଆପେ ଆପେ ଝରିପଡ଼େ ପଦେ କବିତା ଆମ୍ବ ବଉଳରୁ ବାରି ହୋଇଯାଏ ଆମ୍ବର ସ୍ୱାଦ ପ୍ରକୃତିର ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ବାର ମାସରେ ଛଅ ଭଉଣୀ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବଉଳ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ମନମୁଗ୍ଧକର କାକରକୁ ଖାତିର ନ କରି ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗର ଟିକି ଟିକି ଆମ୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ହେବା ବାସ୍ତବରେ ମନଛୁଆଁ ବଉଳ ଫୁଲର ସଜେଇ ହେବା ଗୁଣ ଆମ୍ର ବୃକ୍ଷକୁ ନୂଆ ରୂପରେ ଭେଟି ଦେଉଛି ହୃଦୟ ଜିଣିବା ପାଇଁ ବଉଳ ଫୁଲକୁ ନେଇ ବନ୍ଧୁତା ତିଆରି ହେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସୂତାଖିଅ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିଖିତ ଆମ୍ବ ବଉଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସର ବାସ୍ନା ସମ୍ପର୍କର ଗୋଟେ ଅଧେଖା ହାତ ଭଳି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସିଏ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଛି ଆମ୍ବ ବଉଳ ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରେ ଘରେ କେଉଁ ଆଦି ଅନାଦି କାଳରୁ ଆମ ପରମ୍ପରା ସହ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଉନ୍ମାଦନା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ପଥିକ କ୍ଲାନ୍ତି ଦୂର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ବଉଳର ବାସ୍ନା ଆଣିଦିଏ ଅସୁମାରୀ ତୃପ୍ତି ଆମ୍ବ ବଉଳ ମଧ୍ୟରୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା କୋଇଲିର କୁହୁକୁହୁସର ବାଟୋଇର ମନକୁ ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରିଦିଏ ପିଲାଦିନର ଅନେକ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବା ସହ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ହେଉ ପଛେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲିଯାଏ ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ଫଳ ଶୋଭା ପାଇବ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଗାଁ ଟୋକା ଯିବେ ସେ ଆମ୍ରକୁଞ୍ଜକୁ ଟେକାଟିଏ ପକାଇବେ ଆମ୍ବ ତୋଳିବେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଠାରୁ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଇଏ ଏକ ଲମ୍ବା ଋତୁ ତାରି ଭିତରେ ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏବଂ ଗାଁର ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ଆମ୍ବର ସ୍ୱାଦ ବାସ୍ତବିକ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଆଉ ଏକ ନିଦର୍ଶନ ଆମ୍ବ ବଉଳ ବସନ୍ତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ପ୍ରେମ ଓ ମୈତ୍ରୀ ପର୍ବ ଆଭାସ ଦେଇ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଏଠି ଫୁଲ ଅଛି କୁହାଯାଉନି ଫୁଲ ଫୁଲ ବଦଳରେ ଆସୁଛି ବଉଳ କ'ଣ ନା ଆମ୍ବ ବଉଳ ଶୀତ ଋତୁର ମାଘ ମାସରେ ଏମାନଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟମାନ ବସନ୍ତ ଋତୁର ଆଗମନରେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ସହ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ଆମ୍ବ ବଉଳ ସଭିଙ୍କ ମନ କିଣିଦିଏ ଘଟଗାଁରୁ ଛବିନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ଏମ୍ବିସି ନ୍ୟୁଜ୍ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଖବରକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର